हेलो दोस्तों, आप लोग कैसा है? सुरजीत साइकिल मॉडिफाई चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज यही हुए से फोटोन साइकिल की बॉटम ब्रैकेट में हम बियरिंग लगाने वाले हैं। सो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें कैसे बियरिंग लगाए, ये बियरिंग लगाने से क्या फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, ये भी हम वीडियो के एंड में ज़रूर बताएंगे। तो हमें आप इसको खोल लेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे खोलते हैं। खोल के इसमें बियरिंग हम लगाएंगे, वो बाइक वाला बियरिंग है वही इसमें लगाएंगे। ये बियरिंग लगाने से स्मूथ ही चलेगा, बिल्कुल स्मूथ, और ये ख़राब नहीं होगा इतना जल्दी। दूसरी बॉटम बकेट तो आ जाते हैं, वो हमारी 60-70 रुपया में, लेकिन ये वाला उसका फिटिंग सारे सब दे के 150 रुपया खर्च आ जाता है। और ये बियरिंग वाला बॉटम बकेट आपको थोड़ा ज़्यादा महंगा होगा, ये करीब आपकी वो 300 रुपया में पूरा फिटिंग हो जाएगा, इससे दुगुना लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बॉटम बकेट को फिटिंग करते हैं नॉर्मल साइकिल में। तो हमने इस साइकिल की चेन कवर को खोल लिया, अब 11-12 की एक पाना रेंच ले लिया, उसी से मदद से गियर के अंदर वो रहता है ना, वो लॉक रहता है, लॉक को हम खोलते हैं। तो लॉक का ऊपर एक बोल्ट रहता है, बोल्ट को खोल के हम इसका गियर निकालना है। बाइक का तरह रहता है उसका क्रैंक भी हम निकालेंगे। उसका बाद हमारी बॉटम बकेट को भी हम खोल लेंगे, तो हथौड़ा का मदद से उसका पिन को हम निकाल रहे, तो ये भी हम निकाल दिया। तो दोस्तों देखते रहिए इसको कैसे बॉटम बकेट नॉर्मल साइकिल में फिटिंग करेंगे। तो कोई भी साइकिल में हम बॉटम ब्रैकेट को लगा देते हैं, आप भी घर में बैठ के लगा सकते हो, ये वीडियो को स्किप मत करना। तो दोस्तों हमारा वीडियो में बने रहे। ये बॉटम ब्रैकेट इसमें कितने नंबर की बियरिंग लगते हैं ये भी हम आपको बता देंगे, और ये बियरिंग लगाने से ये बिल्कुल स्मूथ चलते हैं। हमने एक सराशी ले लिया, लेने के बाद वो बॉटम बकेट की कोटोरी है, कोटोरी का ऊपर एक चोरी का तरह एक चोरी रहता है, वो चोरी को हमें खोलना है। उसको नहीं खोलोगे तो बॉटम बकेट की वो कोटोरी बाहर नहीं निकलेगा। देख लीजिए, खोल दिया, बाहर निकल गया। अब एक्सेल को हम निकाल लेंगे, निकलने के बाद दूसरी साइड का भी कोटोरा हम खोल लेंगे, और कोटोरा का अंदर ही हमारा बियरिंग बैठ जाएगा। तो दोस्तों इसका बियरिंग का माप है 6903, ये वाला बियरिंग का नंबर है 6903। कोई भी बियरिंग वाला शॉप में चले जाना, जाके बोल देना जो 6903 का हमें बियरिंग चाहिए, दो बियरिंग ले लेना। बियरिंग लेने का बाद आप घर में बैठ के हमारे वीडियो देख के आप घर में ही लगा सकते हो। जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आप भी घर में बैठ के ये बियरिंग वाला बॉटम बकेट बना सकते हो। और दोस्तों ये और भी हमारा दूसरी वीडियो है, तो हब में बियरिंग कैसे लगाए वो भी हमने वीडियो बनाया, वो भी इसका नीचे लिंक है, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों देख लीजिए, ये गोली वाला बॉटम बकेट इसको हमने फेंक दिया, तो दूसरी बॉटम बकेट हम इसमें लगाएंगे। थोड़ा कपड़े से इसको कचरा बचरा है अंदर, उसको थोड़ा सफाई कर लेना चाहिए। सफाई करने से वो कोटोरी खूब अच्छी तरह अंदर घुस जाएगा। ये देख लीजिए हमारा बियरिंग, ये बियरिंग का साइज मैंने पहले भी बताया, आप भी बता देता हूँ, ये 6903, आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो तो मैं बता दे रहा हूँ, 6903 ये बियरिंग का साइज है।
कोई भी बियरिंग का दुकान पे आप जाके पता कर लो जे हमें 6903 का बियरिंग चाहिए, वो बियरिंग दे देगा। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा, दो बियरिंग करीब 225 रुपया में आपको मिल जाएगा। और घर में बैठ के लगा लोगे तो कोई मैकेनिक के पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उसका भी खर्चा बच जाएगा। आप देख लीजिए इसका कटोरे का अंदर से गोली को हम निकाल के थोड़ा सफाई करके इसमें हम बियरिंग डाल देंगे। और देख लीजिए बियरिंग कितना अच्छे से इसका अंदर घुस रहा है। आप घर में बैठ के किसी भी परेशानी होने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप लगा सकते हो। तो दोस्तों आप भी देखिए इसका गोली को हम निकाल रहे हैं, एक गोली को निकाल के इसको बाहर रख देना। रखने के बाद थोड़ा कपड़े से अच्छे तरह सफाई कर लिया लेना है। तो मिट्टी का तेल देके सफाई करोगे तो जल्दी अच्छा सफाई हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए हम बियरिंग इसके अंदर बैठा रहे, देख लीजिए कितना अच्छे से इसके अंदर बियरिंग बैठ गया। आप हमारा वीडियो देख के कोई भी परेशानी नहीं होगा, आराम से आप घर में बैठ के ये बियरिंग वाला बॉटम बकेट बना सकते हो। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत करना, स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कुछ पार्ट समझ में आपको नहीं आएगा तो हमें कमेंट कर देना, हम उसका आंसर ज़रूर दे देंगे। और बियरिंग कहाँ मिलेगा ये भी हम बता देंगे। कोई बियरिंग का शॉप में भी मिल जाएगा, और दूसरा बाइक वाला पार्ट्स का जो दुकान है उसमें भी आपको मिल जाएगा। आप राइट का तरफ कटोरे को हम लगा लिया, आप इसका अंदर एक्सेल डालेंगे। तो देख लिए जी दोस्तों एक्सेल कैसे डाल रहा है। इसमें एली एक्सेल दे दोगे तो थोड़ा अच्छा होगा, इसीलिए तो बियरिंग होता है ना, बियरिंग थोड़ा ज़्यादा उसका जगह ले लेते हैं, इसीलिए इसमें एली एक्सेल की दो साइड थोड़ा ज़्यादा लंबाई होता है। वो लगाने से आपका गियर और क्रैंक लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा, इसीलिए एली वाला एक्सेल ले लीजिए। और दो बियरिंग और कटोरा, पुराने वाले कटोरा भी आपको बियरिंग बैठ जाएगा, वो बदलने का कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए हम तो लगा दिया, कटोरा लगाने के बाद उसका ऊपर जो चूड़ी रहता है वो भी हमने लगा दिया। अब इसको थोड़ा कस देंगे हथौड़ी के मदद से, हमने इसको भी कस दिया। हमारा तो बॉटम बैकेट बिल्कुल रेडी होने हो गया। अब इसमें गियर क्रैंक लगाएंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो हम अब इसका गियर को लगाएंगे। तो गियर लगाने का टाइम इसमें एक लॉक भी लगा लेता है, ये वाला लॉक है, इसको लगा के थोड़ा हथौड़ी से ठोक देना है। ठोकने के बाद ये बिल्कुल फिट बैठ गया। और इसका ऊपर एक बोल्ट रहता है, बोल्ट को भी आप बाद में लगा देना, क्योंकि कभी भी ये लोग ढीला होके निकल जाते हैं, इसलिए बोल्ट को लगा के थोड़ा कस देना है। इस कसने के बाद वो बोल्ट कभी निकलेगा नहीं, वो पिन निकलने का नहीं। अब क्रैंक को हम लगाए रहे, तो क्रैंक को इसका ऊपर की तरह उठा दिया, और गियर वाले पिन को जिस साइड से लगाया और इस क्रैंक वाले पिन को उसका उल्टा साइड में लगाना है, तो उसको लेफ्ट साइड में लगाया, ये वाला डाइन साइड से लगाएंगे। ये पूरा उल्टा लगाना पड़ता है, क्योंकि पुराना लगाने उल्टा लगाने से ये बिल्कुल क्रैंक और गियर का जो रॉड है वो सीधा रहता है, और एक ही साइड में दो घुसा दोगे तो वो एक साइड में ज़्यादा रहता है। देख लीजिए हमारा गियर कितना स्मूथ हो गया, स्मूथ और तेज़ी से घूम रहा है। तो दोस्तों हमारा साइकिल भी बहुत अच्छा चलेगा इसमें, इसी से।
और एक बात है, ये बियरिंग वाला बॉटम बकेट आप लगाओगे, देख लीजिए कितना अच्छा घूम रहा है। ये करीब 3-4 साल आपको बदलने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक ही बॉल बियरिंग में आपका 3-4 साल आसानी से चल जाएगा और बिल्कुल स्मूथ की तरह साइकिल चलेगा। कोई आपका साइकिल चलाने में मेहनत नहीं लगेगा। देख लीजिए कैसे घूम रहा है हमारा साइकिल। हम इसमें बियरिंग भी लगाया था अगले वाला वीडियो में, नहीं देखो देखा है तो उसमें भी देख लीजिए। इसका दूसरा वाला वीडियो पे हम हब में बियरिंग लगाया, कैसे लगाया आपको बिल्कुल देखने से पता चल जाएगा। आप भी घर में बैठ कर लगा सकते हो। हमारा तो साइकिल में बॉटम बकेट लगा बियरिंग लगाना कंप्लीट हो गया। अब हम चेन का लगाने के बाद हमारा साइकिल बिल्कुल रेडी हो गया। तो हम इसको थोड़ा चला के भी आपको दिखाएंगे। तो चला के दिखाने से आपको समझ में इतना नहीं आएगा, आप खुद घर पे बैठ के बना सकते हो। बना के थोड़ा चला के देख लीजिए और कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उसी का आंसर दे देंगे। कोई भी किसी भी प्रॉब्लम हो साइकिल की, डिश गियर साइकिल मॉडिफाई कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, हम उसी का आंसर ज़रूर दे देंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।